गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको कुछ बातें आपकी सिलेबस की बता दी थी। उस सिलेबस में से मैंने कल आपको बताया था कि कुछ टॉपिक्स अपन जो ज़्यादा मार्क्स के उनको पहले पढ़ेंगे, और ये वीडियो में इंग्लिश मीडियम, टेंथ हिंदी मीडियम, टेंथ क्लास, नाइन्थ क्लास सभी के लिए इम्पोर्टेंस रखता है, तो आप इसको जरूर देखना। लाइक सब्सक्राइब वगैरह आप जरूर करना। नोटिफिकेशन के लिए आप जो है जो रिंग का बटन है उस पर आप क्लिक कीजिएगा, और ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर करोगे तो टीचर्स का भी उत्साहवर्धन होता है। जो सभी क्लासे आप देख रहे हो संस्कृति स्कूल द्वारा संचालित जो ऑनलाइन क्लासेज है, अगर आप उसको ज्यादा ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो टीचर्स को ज्यादा मतलब उससे उत्साह मिलेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ या बता रहा हूँ वो बच्चों के समझ में आ रहा है। तो इससे आपको जो है भी बेनिफिट होगा और टीचर को भी जो है उत्साहवर्धन होगा। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं तो ये करता हूं जो टेंस होता है ये टेंथ क्लास के लिए, टेंथ क्लास में ये 4 मार्क्स का टॉपिक है, इसके मार्क्स हैं, और इसमें जो टेंस से संबंधित रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेगा, रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके करेक्ट फॉर्म, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, मतलब 10th क्लास में जो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड के होंगे। हो सकता है आपके मतलब जो है 8 क्वेश्चन दे दे हाफ ऑफ मार्क्स के, तो ऐसे करके आपका जो है वो दे सकता है। जैसे कल मैंने आपको टेंस आपका 4 मार्क्स का था, तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्वेश्चन कैसे आता है पहले अपन ये बात कर लेते हैं। एग्जाम क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे टू स्कूल डेली, आप ध्यान से समझिए बच्चों कि हमें इसमें करेक्ट फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले तो इस वाक्य को कैसे अपन समझे कि कौन से टेंस का है, पहली कंडीशन ये, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि वाक्य, ये जो सेंटेंस है वाक्य किस टेंस का है, किस टेंस का है, पहली बात तो ये, विच टेंस इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस, वो कैसे पहचानेंगे वो मैं बताऊंगा आपको। वाक्य किस टेंस का है पहली कंडीशन ये होगी, जब ये समझ में आ जाएगा तो दूसरी अपनी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि टेंस पता लग गया, जब अपन को ये पता लग गया तो उसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कौन सी यूज होगी, ठीक है, या उसमें अपन या पहले अपन ये लिखते हैं सेंटेंस का टाइप कौन सा है, सेंटेंस का टाइप कौन सा है, कि सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। मैंने आपको ये पहले बता दी सेंटेंस के टाइप इसलिए पढ़ाए थे कि ये जो सेंटेंस में ही क्या है, सब्जेक्ट है, और ये प्रोनाउन है, और ये सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है। देखो अगर इसके एंड में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आता तो ये प्रश्नवाचक होता, ऐसा चिन्ह आता तो ये एक्सक्लेमेटरी होता, नॉट आता तो ये नेगेटिव होता। अब ना ही तो इसमें नॉट है तो ये नेगेटिव नहीं है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं है, ये भी नहीं है, और कंडीशन सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आ रहा है, तो जिस सेंटेंस के प्रारंभ में सब्जेक्ट आता है वो सेंटेंस असर्टिव होता है या अफर्मेटिव होता है। तो सेंटेंस का टाइप पता चल गया कि ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, और ये भी पता चल गया अपन को कि इसमें टेंस कौन सा है। अब इसके बाद में इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज होती है, ये 3 बातें पता करते हैं आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो कैसे, पहले तो अपन ने वाक्य का टेंस का पता किया, तो ये जो डेली है इससे अपन को पता चला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस का वाक्य, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है।
फिर अपन को पता चल गया कि यहाँ सब्जेक्ट आ रहा था अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या आती है, अगर अपन को टेंस आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, कौन सी मेन वर्ब आती है। तो अपन को पता है कि हेल्पिंग वर्ब तो अफर्मेटिव में आती नहीं है, या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या उसमें एसीआईएस लगता है। तो यहां ही सिंगुलर है इसलिए यहां क्या आ जाएगा, गोज आ जाएगा, क्योंकि अपन को ऐसा कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब यूज होती है। ही सिंगुलर है तो गोज भी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो ये इस प्रकार से ये होगी क्या, ये क्या कहलाती है, करेक्ट फॉर्म। करेक्ट का मतलब सही, फॉर्म का मतलब रूप, वर्ब का मतलब क्रिया का, क्रिया का सही रूप क्या है वो आपको भरना होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन देंगे। अब अलग अलग टेंस के देंगे, जैसे एक इंडेफिनिट का दे दिया, एक कंटिन्यूस का दे देगा, एक परफेक्ट का दे देगा, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस का दे सकता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन किसी पूछा जाएगा, ये बात समझ में आई आप लोगों की। अब आगे देखिए बात आती है टेंस की, बड़ी समस्या है, सब लोगों को दिक्कत ही रहती है। बहुत सारे लोग सीनियर पास कर लेते हैं, एमबीए कर लेते हैं, फिर भी साफ कहते हैं साहब हमें तो टेंस आता ही नहीं है। ये फोबिया है, टेंस फोबिया आप कह सकते हैं, तो डर है। और सही बात भी है, अगर टेंस आता है तो इंग्लिश आती है, टेंस नहीं आता है तो इंग्लिश नहीं आती है, ये कन्फर्म है। क्योंकि जो चीज इंपॉर्टेंस रखती है तो रखती है। अब देखो टेंस का अच्छे तरह से पढ़ेंगे अपन, क्योंकि अपने बाकी की चैप्टर इसी पे डिपेंड है। तो देखिए डर, पहली बात तो डरना नहीं है, डरोगे तो सीखोगे नहीं। ये समझिए कि अपन अगर कोशिश करेंगे, आराम आराम समझिए, सब समझ में आएगा। देखो टेंस क्या होता है, टेंस का तो ग्रामर में नेम ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं बोलूं तो टेंस कोई टॉपिक ही नहीं होता, टेंस तो होता ही नहीं। क्योंकि अपन देखो, अपन ने बताया था कि नाउन जो होता है, प्रनाउन होता है, वर्ब होती है, इनके अंदर टेंस का नाम नहीं आता। तो जब इनका नाम नहीं आता, टेंस के ओनली ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, ना कि कोई टेंस अलग से कोई चीज होती है। और टेंस क्या होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये टेंस की परिभाषा होती है। टेंस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का रूप होता है। क्या होता है, क्रिया का रूप, टेंस क्रिया का रूप होता है। अब टेंस जो शब्द बना है वो टेंपस शब्द से बना है, किससे बना है, टेंपस। और ये कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। अब दो बातें आती है, एक तो टेंस होता है और एक टाइम होता है। टेंस काल होता है और टाइम समय होता है। अब काल में समय में क्या अंतर है, टाइम तो जो है ना अपन, ये लॉन्ग पीरियड होता है, लॉन्ग पीरियड होता है, और टेंस जो है शॉर्ट पीरियड होता है, शॉर्ट पीरियड होता है। टाइम का कैलकुलेशन करने के लिए टेंस बनाए गए हैं, कि क्या करने के लिए, टाइम का कैलकुलेशन या स्टडी करने के लिए, करने के लिए टेंस बनाए गए। ठीक है, कि स्पष्ट हो जाए कि किस प्रकार से पढ़ेंगे। दूसरी बात कि टाइम बढ़ा है, टाइम तो पता नहीं कब से चल रहा है, और टाइम जो है अपन क्लॉक टाइम से लेते हैं, क्लॉक टाइम इसे लेंगे, क्लॉक टाइम से। तो काल और समय में अंतर समझ में आया आपको, कि समय को विभाजित करके टेंस बनाए गए। अब देखो मैं आपको समझाता हूं कैसे बनाए गए, आराम से, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो मैंने कोडिंग बता रहा हूं आपको, जैसे मान लीजिए टाइम है, इसके दोनों तरफ लाइनिंग है, इसका मतलब आगे भी पता नहीं टाइम कब तक चलेगा, पीछे भी कब तक, कब से आ रहा है। अब अपन ने टाइम, ये टाइम है, ये लाइन किसको इंडिकेट कर रही है, टाइम। अब इस टाइम को अपन ने, ये टाइम का नाम दे दिया, आप टाइम की गणना करते हैं, देखो ऐसा सिंबल बनाते हैं अपन। तो ईसा मसीह के जन्म से ही, जो क्राइस्ट है उसके जन्म से ही टाइम की कैलकुलेशन की गई है।
और ऐसा सिंबल किसका होता है, यीशु का होता है, और इससे क्या बना दिया, टाइम बना दिया। कैलकुलेशन यही से भी है, जैसे 1 2 3 4 5 इधर ऐसे चलते हैं, उल्टा माइनस में चलते हैं इधर, और इधर 1 2 3, और जैसे आज यहां पर क्या हो गया 2020 हो गया, तो ये तो क्या होगा, इसलिए इसको बोलते हैं बीसी, और इसको बोलते हैं इधर वाले टाइम को एडी। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, और एडी का मतलब आफ्टर डोमिनो, डोमिनो या फिर डेथ। तो यहां पर बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा पूर्व, और इसको बोलेंगे ईस्वी। ये प्लस में चलता है, ये माइनस में चलता है। इसमें क्या है, किसी का जन्म तो होगा ज्यादा सन में और मृत्यु होगी कम सन में। इधर क्या होगा, जन्म होगा कम सन में और मृत्यु होगी ज्यादा सन में। जैसे मान लीजिए किसी का जन्म 543 में हुआ ईसा पूर्व में, ठीक है, तो उसका जन्म कहां हुआ, जैसे मान लीजिए 500 या 493 ईसा पूर्व में हुआ, तो ये तो उल्टा हुआ ना जन्म, तो जन्मा तो टाइम तो उधर ही जा रहा है ना, इधर तो जन्मेगा तो यहां जन्मा और इधर आया तो उल्टा चलेगा। और इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए आपका जन्म हुआ 1990 के अंदर, 19 के अंदर, और आगे चले जैसे 2020 चल रहा है, तो प्लस में होना इधर वाला प्लस में चलता है, इधर वाला माइनस में चलता है, तो टाइम की कैलकुलेशन ऐसे भी। अब ये जो टाइम था, टाइम से ही ये जो टाइम की लाइन थी, अब इसकी कैलकुलेशन करने के लिए अपन के पास में, जैसे मैंने ये इस पे एक लंब डाल दिया ये पूरा, ठीक है। अब देखिए ये वन लाइन है, ऊपर से ध्यान देखना, ये चार चुगड़े मत कर देना, 4 हो गए। तो ये टाइम था, टाइम को डिवाइड करके 3 टेंस बनाए गए, ये टुडे अपन ने इसको क्या था, टुडे का, और इसको अपन ने क्या था, टमारो का। ये टुडे है, ये टमारो है, और ये यस्टरडे है, ठीक है। अब देखिए इसको अपन ने कर दिया कि ये पास्ट है, पास्ट टेंस, ये भूतकाल है, और इसको कहा अपने टुडे को, ये प्रेजेंट है, ये हो गया आपका टुडे, और ये कर दिया अपने फ्यूचर है। वैसे तो देखो मॉडर्न इंग्लिश के अंदर पास्ट और प्रेजेंट ही टेंस पढ़ाया जाता है, फ्यूचर टेंस नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि ये कलर्ड होता है, इसको किसने देखा है, आज अपन यहां पर है, इसके आगे का तो कुछ पता ही नहीं ना, इसके बारे में कोई जानता ही नहीं, क्या पता हो या नहीं हो, ये अपन ने फील कर लिया, ये भी अपन फील कर रहे हैं, चल रहा है। तो प्रेजेंट और पास्ट दोनों ही पढ़ाए जाते हैं, फ्यूचर नहीं पढ़ाया जाता, और फ्यूचर के जितने भी सेंटेंस होते हैं उनको अपन प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं और करेंगे, अपन देखेंगे। पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है, भूत काल, और प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल, और फ्यूचर का मतलब भविष्य काल, ठीक है। अब देखिए इसकी जो आइडेंटिटी होती है, इसमें था आता है, इसमें हे आता है, और इसमें ग आता है। जो गुजर गया, जो गुजर गया या जो बीत गया, क्या हो गया, बीत गया, जो चला गया वो पास्ट है, और जो चल रहा है वो प्रेजेंट है, और जो आएगा वो क्या है, फ्यूचर। ये भूत का मतलब भी, भूत कौन होता है, जो मर जाते हैं भूत, जो टाइम गुजर गया, आज के पहले जितना भी टाइम गुजर गया, बीत गया, पास्ट हो गया, स्पेंट हो गया, वो क्या है, पास्ट है, और जो चल रहा है वो वर्तमान है, और जो आएगा वो फ्यूचर है। ये कलर्ड है, ये अनसर्टेन है, ये क्या है, ये कोई निश्चित नहीं है, अनसर्टेन है, ये अपन ने फील कर लिया। अब नेक्स्ट है ना, तो देखो मैं कहूंगा टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड करके, डिवाइड करके 3 टेंस बनाए गए। फर्स्ट
प्रेजेंट, सेकंड आपका पास्ट और थर्ड आपका फ्यूचर। तो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर अपने तीन टेंस इसके बना लिए। ये टेंस का कैलकुलेशन देखो, ये क्या था, टाइम था। टाइम को अपन ने कितने भागों में डिवाइड किया, तीन में, वन टू एंड थ्री। तीन टेंस बने, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। टाइम से निकल के आया है टेंस। अब नेक्स्ट देखिए, आराम से समझिएगा। अपने पास में टाइम से तीन टेंस निकलकर आ गए। जैसे मान लीजिए मैंने एक ये टेंस ट्री बना देता हूं, सबके समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये एक टेंस ट्री है। क्या ये किए, टेंस ट्री है। ये जो टेंस ट्री है, इस ट्री के पेड़ के अपन जानते हैं शाखाएं निकलती है, तो इसके तीन शाखाएं निकली। ऐसे अपन ने तीन शाखाएं निकाल दी। ये तो अपना क्या था, इसका नाम अपन ने प्रेजेंट दे दिया। क्या दे दिया, प्रेजेंट। और इसको अपन ने दे दिया पास्ट। और इसका नाम क्या दे दिया अपन ने, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, एक पेड़ था टेंस, उसकी कितने शाखाएं निकली, तीन। अब शाखा की शाखा निकलती, ब्रांच के ब्रांच निकलती, तो देखो सबसे पहले इसके निकला, इसका नाम दे दिया अपन ने इंडेफिनिट। क्या नाम दे दिया, इंडेफिनिट। और इसके आगे क्या लग जाएगा, पास्ट। तो पहला क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, कई जगह अपन इसको सिंपल भी बोलते हैं। दूसरा पास्ट को लगाया जाएगा, अरे भाई जैसे इसके नाम के पहले पास्ट लगा, इसके नाम के पहले पास्ट लग जाएगा। दूसरा क्या हो गया, कंटिन्यूअस। तीसरा क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस। और ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट। और ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चार हो गए, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट। मतलब एक व्यक्ति था, उसके तीन बेटे हुए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर नाम थे उनके। अब इन्होंने क्या करा, इसके चार चार बेटे हुए, तो इन चारों ने अपने अपने बेटों का नाम क्या रखा, सेम रखा। लेकिन देखो सबके पिताजी के नाम के पहले अपने पिताजी का नाम जुड़ेगा, इसके पिताजी का नाम इसके साथ जुड़ जाएगा। तो पहले क्या हो गया, ये इंडेफिनिट, इंडेफिनिट हो गया। तो इसके पहले क्या जुड़ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। और तीसरा क्या हो जाएगा, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे इसका क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट। जब जब भी वो अभी के बाद आ रहता है तो आर साइलेंट रहता है, तो इसको क्या पढ़ेंगे अपन, परफेक्ट। और लास्ट हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये कितने हो गए टोटल, 12 टेंस होते हैं। फिर दोबारा समझा रहा हूं, ये एक पेड़ था, इस पेड़ के तीन शाखाएं निकली, या एक व्यक्ति था, उसके तीन बेटे हुए, एक का नाम पास्ट, एक का नाम प्रेजेंट, एक का नाम फ्यूचर। तो इनके चार चार बेटे हुए, इनके चार चार सन में इन चारों के बेटों का नाम सेम है, लेकिन इनके फादर का नाम इसके साथ जुड़ेगा ना, और इसका नाम इसके साथ जुड़ेगा, इसका नाम इसके साथ जुड़ेगा, नेम सेम है। इंग्लैंड में ऐसा होता है, अलेक्जेंडर फर्स्ट, अलेक्जेंडर थर्ड, अलेक्जेंडर, ऐसे चलता रहता है। दादाजी का नाम, उसके ग्रैंडफादर का नाम क्या था, अलेक्जेंडर। उसके बेटे का नाम जैसे मान लीजिए अलेक्जेंडर, फिर अलेक्जेंडर सेकंड हो गया, फिर थर्ड हो गया, फिर फोर्थ हो गया, फिर फिफ्थ हो गया,
नामों की कमी है, इस वजह से ऐसा होता है। अब देखिए अपन क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ वर्क कार्य की अवस्था के आधार पर ईच टेंस इज डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट्स। इन्हें लिख लीजिएगा, कार्य की अवस्था के आधार पर प्रत्येक टेंस को कितने भागों में बांटा गया है, चार भागों में बांटा गया है। फर्स्ट कौन सा है, इनडेफिनिट, दूसरा है कंटिन्यूअस और थर्ड है आपका परफेक्ट और फोर्थ है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको टेंस कैसे बना वो बताया। पहले अपन टेंस टाइम से आया, टाइम को डिवाइड करके टेंस बनाएंगे और प्रत्येक टेंस को कार्य की अवस्था के आधार पर, कार्य की अवस्था में देखें कितनी बार पहले हुआ, कब हो रहा है या पूरा हो गया, तो उसके आधार पर प्रत्येक टेंस कितने बार बताया मैंने आपको, चार बार बताया। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित होता है, कंटिन्यूअस का मतलब जारी रहता है, परफेक्ट का मतलब पूरा हो गया, परफेक्ट का मतलब काम चल रहा है लेकिन पूरा होने वाला। देखिए आराम से समझिएगा, इंडेफिनिट क्या होता है, इसमें लिख लीजिएगा, जब इस टेंस में जब कार्य होता है, जो वर्ब होती है उसके प्रति कोई ना कोई इंडेफिनेशन रहती है, कोई ना कोई अनिश्चितता होती है कि कार्य कब हुआ, किसने किया है ना, और कहां हुआ, वो सारी इंडेफिनेशन इसके प्रति रहेगी। जब भी अपन वाक्य लिखेंगे, जैसे मान लीजिए वह खाना खाता है तो अपन को सेंटेंस पता चला कि चिंता है यार, लेकिन इसमें बहुत सारी इंडेफिनेशन है कि क्या पता खाने में क्या खाता है, कहां खाता है, किसके साथ खाता है, तो इंडेफिनेशन है। नेक्स्ट जैसे मान लीजिए कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस जो टेंस होता है इसमें काम जारी रहता है और इसकी पहचान होती है इसमें आईएनजी यूज होती है, जैसे वो खेल रहा है, काम इन वर्क इन प्रोग्रेस, इसमें इसको क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, तो कई बार इसका नाम प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं इसको, कौन सा टेंस बोलते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस। काम चलता है, जैसे खाना खाता है, खाना खा रहा है, मतलब जब वाक्य बोला जाता है, इसमें क्या होता है, जब वाक्य बोला जाता है तब कार्य जारी रहता है, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो क्या हो गया, कंटिन्यूअस टेंस हो गया, परफेक्ट। इसमें क्या होता है, काम चलता है, मतलब काम चल रहा है, इसमें चलता है, इसमें चल रहा है, इसमें पूरा हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव दिख रहा है कि अभी अभी पूरा हुआ है, ठीक है, जैसे आप खाना खा चुके, वो खाना खा चुका है लेकिन वो दिख रहा है कि अभी तक वही बैठा हुआ है जहां खाना खाया था, तो उसका प्रभाव दिख रहा है, मतलब थोड़े समय पहले वर्क पूरा होता है। इसमें मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, कौन सी फॉर्म, परफेक्ट टेंस में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, मतलब कार्य चल रहा था और फिर वो पूरा हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान में दिख रहा, कार्य पूरा हो चुका हो लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान में दिख रहा हो, तो कौन सी टेंस में आएगा, परफेक्ट। नेक्स्ट अपना परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब परफेक्ट भी होने वाला लेकिन जारी हो, मतलब कार्य वर्क इन प्रोग्रेस बट आफ्टर सम टाइम हैज बीन कंप्लीटेड, कुछ समय बाद में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, मतलब वर्क की वस्तु में आईएनजी आएगी, तो जहां जहां कंटिन्यूस आता है ना वहां आईएनजी जरूर आता है। दोबारा बता रहा हूं, इसमें वर्क के प्रति इंडेफिनेशन रहती है, इसमें काम जारी रहता है, इसमें काम पूरा हो चुका है और इसमें काम जारी है लेकिन पूरा होने वाला। दोबारा देखिए, काम चलता है, ये इंडेफिनिट हो गया, काम जारी है कंटिन्यूस हो गया, काम पूरा हो चुका है परफेक्ट हो गया, काम जारी है लेकिन पूरा होने वाला हो आफ्टर सम टाइम, क्या होने वाला हो, पूरा होने वाला, इंडेफिनिट कंटिन्यूस
परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। फिर अपन इसको चार्ट के माध्यम से देखेंगे। कल अपना जो टॉपिक होगा फर्स्ट टेंस का, तो फर्स्ट टेंस होगा अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, ठीक है। जब मैं कल क्लास होगा तो इससे अपन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, आप सब इसको ध्यान से देखिएगा, कोई बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हो और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हो। ओके, गुड नाइट, बाय।